पाठ 16 प्रश्नावली 2.3 पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके यानी एक बहुपद जैसे दिया हुआ है टी स्क्वायर माइनस 3 दूसरा बहुपद हो गया ना लंबा है ये तो पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके इस बहुपद से इसमें भाग देना है। जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद यानी ये द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। इस पर तू लोग एक बात देखो, अगर कहीं लिखा रहे क्या 5 20 का गुणनखंड है कि कैसे समझोगे ये प्रश्न पूछा जाए तो 5 20 का गुणनखंड उसको डिवाइड का कोई भी गुणनखंड दी गई संख्या को पूर्ण रूप से विभाजित करे अर्थात शेष में शून्य आ जाए तो यह संख्या दी गई संख्या का गुणनखंड कहलाएगा, है ना। पूर्ण रूप से विभाजित करने का अर्थ शेष में शून्य आना चाहिए। अगर मान लो ये टेस्ट करना है 5 20 का गुणनखंड है तो ऐसी स्थिति में 20 में तू 5 से भाग दो तो 5 चौका 20 शेष में अगर 0 आ गया इसका मतलब 5 20 को संपूर्ण रूप से विभाजित करता है अर्थात 20 का गुणनखंड है। यही अगर दे दे 29 5 क्या 5 29 का गुणनखंड है तो 5 29 को इस तरह विभाजित करता है ताकि शेष शून्य आ जाए। अगर शेष शून्य आएगा तब तो 5 29 का गुणनखंड होगा अन्यथा नहीं होगा। तो 29 में हम लोग 5 से भाग देंगे तो 5 25 शेष में शून्य नहीं आया इसका मतलब यह 29 सॉरी यह 5 29 का गुणनखंड नहीं है। समझ रहा है ना। तो दी गई संख्या का कोई दूसरी संख्या अगर गुणनखंड होगा तो दूसरी संख्या दी गई संख्या को पूर्ण रूप से विभाजित करेगी अर्थात शेष में शून्य आना चाहिए, है ना। इसी बात आंसर 1 पहले बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग देना है इसका मतलब हो गया यहाँ t² - 3 तथा कितना है इसमें इसके भाग बोलो कितना से लगेगा। 2 स्क्वायर से t² को 3 से गुना करेंगे 3 t² - 2 t² वाला मामला देखो यहाँ है यहाँ पावर 3 है तो पावर 3 वाला को पहले लिखेंगे इसको इसको हल करो यहाँ माइनस है यहाँ प्लस तो 6 में से 2 प्लस 4t² - 90 - 12 अब बोलो किसे भाग लेगा अगला t से 2t प्लस t नहीं t² है ना
थ्री टी क्यूब इसमें पहला पद में पहले पद से भाग दें तो ये बच जाएगा थ्री टी स्क्वायर। पीछे में कोई चीज नहीं, प्लस है, इसका मतलब प्लस थ्री टी स्क्वायर से भाग लगेगा। टी स्क्वायर से थोड़ी लगेगा सर, टी से लगेगा, दो को है तो दो कट जाएगा, एक को बचेगा। प्लस 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 थ्री टी क्यू प्लस माइनस माइनस तीन किया नाइन टी होगा ना, माइनस प्लस ये कट गया, पहले ये हाँ ये भी कट गया, उतर गया फोर टी स्क्वायर माइनस बारह। टी स्क्वायर है चार से गुना किया हुआ है तो प्लस चार, फोर टी स्क्वायर प्लस माइनस माइनस चार किया बारह, माइनस प्लस कट गया शेष शून्य। तो इसमें लिखना होगा जहाँ हर x बराबर शून्य, अतः इसका नाम जी एक्स हो गया, अतः जी एक्स कॉमा पी एक्स क्या कर रहे हो? नहीं यहाँ जी एक्स यानी ये पी एक्स, पी एक्स का एक गुणनखंड है होगा। अब क्या है गुणनखंड, तर्क लिखोगे तो तर्क में यही लिखेगा अगर पी एक्स को जी एक्स इस तरह विभाजित करता है ताकि आर एक्स शून्य आवे, इसका मतलब जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड होगा। ये पंक्ति लिखना होगा कारण में, क्योंकि पी एक्स को जी एक्स इस तरह विभाजित करता है कि आर एक्स बराबर शून्य आता है, इसलिए जीएक्स का एक गुणनखंड है, समझा? तर्क देना होगा अन्यथा हिसाब अधूरी रह जाएगी। इसको समझा तू लोग, सेकंड देखो यहाँ जी एक्स बराबर कितना, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन अच्छा जी एक्स बराबर थ्री एक्स का पावर फोर प्लस फाइव एक्स क्यू माइनस सेवन एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू प्लस टू एक्स प्लस टू प्लस कितना लिखा टू एक्स प्लस टू भागा देना है तो पहला पद में पहले पद से भाग देंगे, थ्री एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर से भाग देंगे, कट गया तीन आया तो तीन एक्स स्क्वायर वो सॉरी थ्री एक्स का पावर फोर है, ये हो गया एक्स स्क्वायर।
अब 3x² को पूरे से गुना करेंगे तो 3x⁴ प्लस 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 3x³ प्लस 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 3x² समझ रहे हो ना, काफी बदला दिए हैं, भागा कट गया, ये हो गया माइनस में है ये प्लस माइनस 4x³ और माइनस माइनस में है तो माइनस 10x² प्लस 2x प्लस 2। अब इसमें इससे भाग देंगे तो कितना होगा माइनस 4x³ तो माइनस 4x होगा, फिर से गुना करो इतना हो जाता है तो माइनस 4x गुना करेंगे माइनस प्लस माइनस 4x³ माइनस प्लस माइनस 4x⁴ किया 12x² माइनस प्लस माइनस 4x को एक से गुना करेंगे 4x प्लस हो गया प्लस प्लस कट जाएगा, ये कट गया तो कितना हो गया कट जाएगा 2x² हो गया जी, और ये प्लस 6x प्लस 2 प्लस 2 2x² में x² से भाग देंगे तो प्लस 2 2x² प्लस 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 3x² प्लस 2 ये भी कट गया, इसमें सुनाया तर्क में लिखेंगे चूंकि gx px को संपूर्ण रूप से इस तरह विभाजित करता है तो हमें rx बराबर 0 आता है, अतः gx यानी इतना px का यानी इतने का एक गुणनखंड है जी, तो बन जाएगा तीसरा है ना। इस टाइप का प्रॉब्लम तुम लोगों को बतलाया नहीं है, उदाहरण में ये कौन सा वो पद है चतुर्थ घात चतुर्थ घात वो पद के 4 शून्यक होते हैं एवं 4 गुणनखंड होते हैं, होते हैं ना, इसका अर्थ ये हुआ यहाँ x बराबर इस पॉलिनोमियल का नाम x वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल इस बहुपद का शून्यक निकालने के लिए हमें इसका गुणनखंड करना होगा, तो एक घात वाले बहुपद का एक गुणनखंड होगा 2 घात वाले का 2 3 घात वाले का 3 और चतुर्थ घात बहुपद के 4 गुणनखंड होंगे। इसको हम लोग लिख सकते हैं के बराबर करना होगा जी, यानी 3x px = 0 को माने हैं लिख सकते हैं 3x³ क्योंकि यह चतुर्थ घात बहुपद है इसलिए इसके 4 गुणनखंड होंगे,
इसको हम लोग लिख सकते हैं, मान लो चारों गुणनखंड में पहला गुणनखंड, बराबर शून्य प्रश्न से देखो जिसको मान लेंगे समीकरण एक है, प्रश्न से पहला शून्य कितना रूट अंडर 5/3 5/3 पहला शून्य का मान हो गया x का मान x बराबर x माइनस पहला शून्य 5/3 बराबर 0 होगा ना जी, इसलिए पहला गुणनखंड बराबर x माइनस रूट अंडर 5/3 अब दूसरा इसी तरह ना इसी तरह x प्लस रूट अंडर 5/3 दूसरा शून्य का माइनस 5/3 का अर्थ हो गया ये भी x का ही मान है, इसलिए एक्स प्लस रूट अंडर 5/3 बराबर अतः दूसरा गुणनखंड जी गुणनखंड एक्स प्लस रूट 5/3 होगा जी। पहला गुणनखंड और दूसरे गुणनखंड का मान समीकरण एक में बैठा देंगे तो पहला गुणनखंड हो गया तुमको x माइनस रूट अंडर 5/3 और दूसरा गुणनखंड x प्लस रूट अंडर 5/3 तीसरा गुणनखंड गुणे चौथा गुणनखंड बराबर होगा सी एक्स बराबर 0 किए इतना बराबर 0 और इसमें थोड़ा सा सुधार करना है, मिस हो गया है, सी एक्स को शून्य बनाए तो चतुर्थ समीकरण के 4 शून्य होंगे ना, और 4 शून्य तो होंगे तो 4 गुणनखंड भी होंगे तो हम लोग लिख सकते हैं ना, है ना, लिखना होगा फिर यहीं से देखो लिखने में मिस्टेक हो गया है क्योंकि यह चतुर्भाग बहुपद है, अतः px यानी इसका px के 4 गुणनखंड होंगे यानी इसके 4 गुणनखंड होंगे, लिख सकते हैं पहला गुणनखंड गुने दूसरा गुणनखंड गुने तीसरा गुणनखंड चौथा गुणनखंड
ये पहले बतलाए हैं ऐसा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं जी। और पहला गुणनखंड हम लोग को, पहला गुणनखंड दिए गए शून्य से गुणनखंड निकाल लेंगे, तो पहला गुणनखंड और दूसरा गुणनखंड निकाल लोगे तो पहला गुणनखंड हो गया x माइनस 5/√3 गुने, दूसरा गुणनखंड हो गया x प्लस √5/3 गुने, तीसरा गुणनखंड गुने चौथा गुणनखंड। मान लिख सकते हैं इसको, इसको गुना करेंगे, देखो a माइनस बी गुने a प्लस बी के तर्ज पर है, इसका अर्थ हो गया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया x स्क्वायर माइनस √5/3 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया ना जी। गुने तीसरा गुणनखंड गुने चौथा गुणनखंड होगा। अगर इसको हम लोग पहले लाए तो लिख सकते हैं इसको पहले लिखा जा सकता है, और एक्स स्क्वायर माइनस ये 5/3 हो गया, 5/3 तीसरा गुणनखंड गुने चौथा गुणनखंड बराबर कितना, कितना होगा इसको हल करेंगे लघुत्तम लेंगे तो 3x² - 5 गुने तीसरा गुणनखंड गुने चौथा गुणनखंड बराबर 3 × 6 ना हो जाएगा, 3 × 6 समीकरण हो गया, ये हो गया 3x² - 5 गुने तीसरा गुणनखंड गुने चौथा गुणनखंड बराबर 3 × 18 = 3 × 6 − 10 = 30 − 15 समझा इतना। अब ये चला जाएगा नीचे जाएगा ना 3x² - 5 इतना होगा। अब इसमें इससे भाग दे देंगे देंगे, ये हो गया 3 × 9 होगा, 3 × 9 × 4 ± 5 × 15 x²
घट जाएगा, ये कट गया, ये अधिक पावर वाला उतरेगा पहले, इसको इसको हल करके कितना होगा, प्लस 9x² होगा, माइनस 30x माइनस 15, अब 3 × 6 = 18, एक्स क्यूब है तो प्लस 6x से लगेगा जी, तो 3 × 6 = 18 एक्स क्यूब प्लस माइनस माइनस 6×5 = 30x कट गया, ये भी कट गया, 9x² माइनस 15, 3 से गुना करेंगे प्लस 3 से, तो 3 किया 9x² प्लस माइनस माइनस 15 कट जाएगा, शेष में 0 आ गया, भागा दे करके कितना आया, यानी बराबर 3x² प्लस 3x प्लस 3 आया ना, इसको हम लोग और तीसरा गुणनखंड गुने चौथा गुणनखंड बराबर 3x² प्लस 6x प्लस 3, इसका गुणनखंड तो आ जाएगा 3×9x² यानी 3x² प्लस 3x प्लस 3x होगा, बीच वाला टर्म को तोड़े गुणनखंड विधि तो आता है, ये 3 कॉमन ले लो, 3x x प्लस 1 3 कॉमन ले लेंगे x प्लस 1, तो ये हो गया 3x प्लस 3 इंटू x प्लस 1, समझा इसको, तीसरा गुणनखंड बराबर, देखो तीसरा गुणनखंड ये हो गया, गुणने बीच में गुना चिन्ह, चौथा गुणनखंड x प्लस 1 हुआ, तीसरा गुणनखंड 3x प्लस 3 एवं, समझ रहा है इसको, पीछे में समझाए थे, चौथा गुणनखंड बराबर x प्लस 1, बोलो आप क्या करोगे, एक्स के बराबर कर देंगे, बन गया गुणनखंड तो निकल गया जी, पहला शून्य एक होगा माइनस, तीसरा गुणनखंड अतः 3x प्लस 3 बराबर 0 और 3x बराबर माइनस 3, इसीलिए एक्स बराबर माइनस 3/3 बराबर माइनस 1, तीसरा शून्य प्राप्त हुआ, बराबर शून्य क्यों किए बोलो तो, शून्य निकालने के लिए, शून्य निकालने के लिए हमें बहुपद को शून्य बनाना पड़ेगा, इतना बराबर शून्य और इतना का 4 गुणनखंड होगा, तो 4 गुणनखंड बराबर, गुणनखंड का गुणनफल बराबर शून्य, तो पहला गुणनखंड गुने दूसरा गुणनखंड गुने तीसरा गुणनखंड गुने चौथा गुणनखंड बराबर शून्य, तो तीसरा गुणनखंड प्लस चौथा ये इंटू चौथा गुणनखंड बराबर शून्य, तो तीसरा गुणनखंड बराबर भी शून्य, चौथा गुणनखंड बराबर भी शून्य, तो चौथा में हो गया एक्स प्लस 1 बराबर शून्य, इसीलिए एक्स बराबर माइनस 1, समझ गया, तो तीसरा भी यही होगा शून्य का, चौथा भी यही होगा, समझा इस हिसाब को, इससे जस्ट पहले उदाहरण में बतला करके काफी डिटेल में समझा दिए थे, तो और लास्ट में 2 या 3 बच रहा है, इसको अगले पार्ट में बतला देना।